मर्डर से आर्यन सिंह की रिपोर्ट। हॉट स्पॉट में बिक रही शराब, धमके एसडीएम, सेल्समैन फरार, पुलिस ने कराई दुकान बंद। मर्डर गाजीपुर हॉट स्पॉट जोन। मर्डर बाजार में बिक रही देशी शराब की बिक्री को देखते ही कासिमाबाद एसडीएम रमेश मौर्य व सीओ महमूद अली की चढ़ी त्योरी। तुरंत थानाध्यक्ष मर्डर शरद चंद्र त्रिपाठी को सख्त निर्देश देते हुए तत्काल प्रभाव से दुकान बंद कराने का आदेश दिया, अन्यथा की स्थिति में कड़ी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। मालूम हो कि कासिमाबाद एसडीएम रमेश मौर्य ने बताया कि हॉट स्पॉट क्षेत्र में कई दिनों से देशी शराब दुकान की दुकान से शराब बिक्री की शिकायत मिल रही। आज देखने पर मामला सही पाया, स्थानीय पुलिस को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है। मालूम हो कि जिलाधिकारी ने आदेशित किया कि है कि कोविड-19 वायरस महामारी से प्रभावित ग्राम पंचायत मर्दह में कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के मिलने के कारण उक्त गांव की संपूर्ण क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया हॉटस्पॉट के रूप में घोषित किया गया है तथा भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई एडवाइजरी एवं निर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु उक्त क्षेत्र में अवस्थित दुकानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों एवं अन्य गति संबंधित गाँव के नागरिकों का आना जाना है को पूर्ण रूपेण प्रतिबंधित किया गया है। इस क्षेत्र में कोई भी दुकान या उपरोक्त प्रकार की गतिविधियों से संबंधित प्रतिष्ठान आदि बिना अधोहस्ताक्षरी के अनुमति के न खोली जाए तथा लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन किया जाए। उप क्षेत्र में जन सामान्य को उपलब्ध कराए जाने वाली आवश्यक वस्तुओं, दवाओं तथा साफ सफाई एवं सुरक्षा आदि में लगे अधिकारियों कर्मचारियों के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति का आवागमन पूर्णतया प्रतिबंधित होगा। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति स्वच्छता कर्मी एवं सुरक्षा में लगे व्यक्ति कर्मी भी सक्षम स्तर द्वारा निर्गत आदेश के माध्यम से ही प्रवेश आवागमन करेंगे। परंतु घोर लापरवाही का नतीजा खुद सामने आया है कि सब्जी की दुकानें बंद है। हॉट स्पॉट क्षेत्र में सरकारी देशी शराब की दुकान अपने समय से खुल रही थी, एक सप्ताह से शराब की बिक्री भी खुलेआम हो रही है। लोग आवश्यकता से अधिक भीड़ लगाकर शराब खरीद कर और उसी दुकान के बगल में बैठकर खुलेआम पीकर कर धज्जियां उड़ा रहे हैं, जो हॉट स्पॉट क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। जिसकी शिकायत मिलने पर कासिमाबाद एसडीएम रमेश मौर्य व सीओ महमूद अली ने औचक निरीक्षण करते हुए कार्रवाई का निर्देश दिया।